जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एक अजीब तरह के जानवर जो दुकान में हल जाता है और किस तरह से तबाही मचाता है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही खतरनाक जानवर है। तो दोस्तों मुरली वाले सर ने इसको किस तरह से पकड़ते हैं या फिर अपने जान पर खेलकर, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू किया गया है इस जानवर के द्वारा और इनको काटने से क्या होता है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी से दोस्तों एक मोहब्बत का पैगाम लिए हुए सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। ये छोटी सी दुकान है और इसी के अंदर दोस्तों कोई खतरनाक मेजबान आ चुका है, तो फटाफट के अंदाज में ये रात का वक्त है, चलते हैं आपको निकाल के दिखाते हैं कि वो मेजबान है कौन सा। तो ऐसे में आप नजर जमाए रखिएगा क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों बात यह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक बार इनसे आपसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने हमको यहाँ पर याद किया है। सर वीडियो बहुत सारा देखते थे, सर आप फोन किए थे, अपना नाम पता बताए। हमारा नाम है राजकुमार दुबे और हमारा घर यहीं पीढ़ी चौराहा है। थैंक यू सर। और ये हमको भी जो इन्फॉर्मेशन मिला बाहर से आया हूँ। हाँ, ये साइड से ये पीछे जंगल है ना, ये जंगल के रास्ते होते हुए सीधा है, नीचे से घुस गया और फिर हमने आपको तुरंत फोन किया। आइए दोस्तों निकाल के देखते हैं है कौन सा जानवर। आप लोग बच जाओ। दोस्तों ये मोबाइल की एक शॉप है अंदर, दोस्तों और भी बहुत सारी जगह है, चलिए और हम अंदर आ जाते हैं। दोस्तों जो मेरे पास फोटो गया था वो यहाँ का था, इसी के बगल में था ना, कौन सा यहाँ का था। और इस समय कहाँ होगा वो, इसी में इस काउंटर के अंदर नीचे नीचे गया। अच्छा ठीक, चलिए सर अब हम शुरू करते हैं। भागने का कोई चांस है भी नहीं, नहीं भी। कोई कहीं भी निकलने का कोई चांस है। इधर आया कूदने दीजिए थोड़ा सा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा दोस्तों आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी जद्दोजहद हुई और ये बाहर की तरफ से जंगल से निकल करके हमारी दुकान में आया और यहाँ के लोग काफी भयभीत थे, हमसे बाहर लेके चलते हैं, अंदर बहुत गर्मी है। भाई गुरुदेव ये तो यार बहुत तगड़ा जो भैया आप थोड़ा सुनेंगे आप लोग। तो दोस्तों इसको हमारे भारत में इंग्लिश में इंडियन मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जानते हैं और गांव में इसे अक्सर गोयरा या तो मगर गोह के नाम से भी समझते हैं और जानते हैं। ये दोस्तों बारिश आने से पहले लगभग अप्रैल और मई के महीने में ये अंडे देते हैं और इसके अंडे से जो बच्चे इसके बाहर निकलते हैं काफ़ी छोटे रहते हैं और लोग उसको देख करके बितनुआ के नाम से जानते हैं और जैसे ही वो थोड़ा से बड़ा होता है फिर इसको लोग बिस्खोपड़ा समझ बैठते हैं। लेकिन बात ये दोस्तों ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, बिस्खोपड़ा नाम जैसी चीज़ हमारे भारत में कुछ भी नहीं है और इसको दोस्तों गाँव में मगरगोह या तो गोयरा इंग्लिश में इसको मोनिटर लिजार्ड, ये बड़ा हो जाता है, लोग सोचते हैं इसके काटने के बाद में सर फट जाता है, डेढ़ साल बहुत सारा अंधविश्वास हमारे भारत में फैला हुआ है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। इसका पसंदीदा भोजन काकरोच तिलचट्टा छोटे छोटे जीवों को अपना भोजन ये बनाता है और जहाँ पर दोस्तों पानी एकत्रित रहता है वहीं पर ये जीव ज़्यादा मिलता है और ये जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता।
चलिए हम इसे पैक करते हैं और काफी दूर लेके चलते हैं, जहाँ पर घर परिवार ना हो वहीं पर इसे रिलीज कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, मारना नहीं चाहिए। दोस्तों इसका ये जो नाखून है इसे आप देख के समझ सकते हैं, इसकी पकड़ की वजह से ये जाना जाता है। पहले के लोग शायद जो चोरियां किया करते थे शायद ऐसे जानवरों को अपने यूज में लाते थे। लाठी से मारा तो ना मरा, चलिए इसे पैक करते हैं। लाठी से मारा तो ना मरा, पीछे जैसे हम बता रहे हैं कोई बड़ी चीज, आप इसको मारने की बात कर रहे हैं, हम बचाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसे हम दूर लेके चलते हैं। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेज़बानों को बचाते हुए, और तब तक लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से मुरली वाले सर ने इस जानवर को पकड़ते हैं। इनको पकड़ने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा दोस्तों, आप लोग काफ़ी मत करिएगा किसी जानवर को पकड़ने के लिए या सांप को पकड़ने के लिए, क्योंकि यह काम एक एक्सपर्ट की होती है। तो दोस्तों हर कोई नहीं पकड़ सकता है, इसके वजह से मैं कहना चाहूँगा आप लोग ऐसा मत करिएगा, और जहाँ तक हो सके इन बेजुबान जानवरों को आप बचाइए ताकि हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रहे, ये भी सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को, तो चलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यू टॉपिक के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।